नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हिरेन गोहिल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोहिल सर में। चलिए आज हम आपके कंप्यूटर का अगला टॉपिक चालू करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर और मेमोरीज। अच्छा, कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेज है मेमोरीज आपने कंप्यूटर में यूज करी आपके, बताइए। अब तक आपने कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेज या मेमोरीज यूज करी। वेरी गुड, CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सोचिए DVD, मेमोरी कार्ड। वेरी गुड, बस रेम रोम। वाह, सबसे पहला अगर कंप्यूटर का नाम आता है तो आपके दिमाग में आता है क्या, रेम और रोम। बहुत बढ़िया, और रेम रोम के अलावा बस इतनी होती क्या, CD, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रेम रोम। और चलिए सबसे पहले होता है आपका रजिस्टर्स, रजिस्टर के बाद कैश, लिखा क्या है कैचे, CACHE, पर पढ़ते क्या है कैश, इसका उच्चारण क्या होगा कैश, ठीक है। फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आती, रैम और रोम, इसको आप मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। अच्छा, आपकी कैश और रजिस्टर भी प्राइमरी मेमोरी में काउंट करते हैं, पर मेन मेमोरी में आपके दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेजेस का एक और नाम क्या, मास स्टोरेजेस। सेकेंडरी स्टोरेजेस का एक और नाम क्या, मास स्टोरेजेस। इसमें आपकी CD, DVD, पेन ड्राइव, याद रखिएगा पेन ड्राइव, PD नहीं बोलना, PD तो आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा तो वो गलत है, पेन ड्राइव एक सही फॉर्म है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सब आपकी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेजेस। अच्छा, क्या फर्क होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, वे मेमोरी जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता वो क्या होती है, प्राइमरी स्टोरेजेस। और यूजर अपने परमानेंट डेटा को स्टोर रखने के लिए जिन मेमोरी का प्रयोग करता है वो क्या होते हैं आपकी, सेकेंडरी स्टोरेज। जिसे आपके कॉलेज में कोई डांस कॉम्पिटिशन होता हो या स्कूल में आपने किसी डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो, तो आपके ग्रुप का जो गाने में आप डांस करने वाले उसको CD में या DVD में बर्न करके ले जाते थे आप, या पेन ड्राइव में स्टोर करके ले जाते थे डेटा को मूव करने के लिए। आपके कॉलेज में मान लो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देना आपको, तो अब आप उसको कैसे देंगे, उसको या तो पेन ड्राइव में ले जाएंगे या तो फिर CD में कॉपी करके ले जाएंगे, ठीक है। तो आपके परमानेंट डेटा को लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए, मूव करने के लिए आप जिनका प्रयोग करते हैं वो क्या होती है आपकी, सेकेंडरी या मास स्टोरेजेस। अच्छा, कंप्यूटर में जैसे आप अभी एक गेम खेल रहे हो, तो वो गेम अभी आप खेल रहे हो तो वो किसमें होगा, रैम में, लोडिंग लिखा आता है ना। आपने एक गेम चालू किया PUBG या एस्फाल्ट या पुल, तो आप जो भी गेम खेल रहे हैं अगर आपने वो चालू किया तो लोडिंग लिखा आता है, तो उस दरमियान वो किसमें लोड होता है, रैम में। अभी आप एक वॉलपेपर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन का ही, तो वो किसमें होगा, रैम में। अभी आपको एप्लीकेशन चला रहे हो, जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये अभी YouTube लोड होगा किसमें, रैम में। तो अभी आप एट प्रेजेंट जो भी चीज देख रहे हो किसमें होगी, रैम में। और मैन्युफैक्चरर अपना परमानेंट डेटा किसमें देता है, रोम में, है ना। तो कंप्यूटर जिन मेमोरी के बिना नहीं चल सकता वो क्या होंगी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी रैम और रोम सबसे मेनली आप बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी में आपकी क्या, CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अच्छा, तकलीफ है रजिस्टर और किसकी, कैश की। तकलीफ आ रही होगी आपको किसकी, रजिस्टर और कैश की। अच्छा, कंप्यूटर में सारे काम कौन करता है, और प्रोसेसिंग वर्क डन बाय CPU। एक छोटी सी IC होती है, माइक्रो प्रोसेसर की चिप, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं आप जिसे, प्रोसेसर, वो सारे काम करता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर गणनाएं कौन करता है, ALU। गणनाएं कौन करता है, ALU। तो ALU के अंदर होते हैं क्या, रजिस्टर। रजिस्टर बिट्स के फॉर्म में होता है, 8 बिट का रजिस्टर, 16 बिट का रजिस्टर, 32 बिट का रजिस्टर। तो रजिस्टर के अंदर होते हैं ये, रजिस्टर किसके अंदर होते हैं, ALU के अंदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स इन साइड ALU, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। इसकी स्टोरेज किस में होती है, बिट्स में, ठीक है। जैसे आपको मैं बोलूं 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9604, मैं आपको 11 × 12 कितना होगा, तो 132। मैं आपको 25 कितना, 50, और 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625। तो आपके दिमाग में कुछ चीजें स्टोरेज है,
ठीक है, अगर मान लो आपको नहीं आता तो आप कहीं लिख के करते इसको कि नहीं? आप कहीं लिख के करते, तो कंप्यूटर में गणना है कौन करता है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो खुद सीपीयू के अंदर होता है। तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है, एएलयू के अंदर। ठीक है, आप जो भी लिखते हैं, हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू, टू इंटू वन, जो भी कुछ आप लिखते हैं वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर जब इसमें अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तब उसे टेम्परेरी तौर पे एएलयू को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता होगा डेटा को। वो कहाँ स्टोर होता है? आपका रजिस्टर्स में। ठीक है, तो रजिस्टर आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं, एएलयू खुद सीपीयू के अंदर है, मैं लास्ट क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। तो सारी गणनाएं जब हो रही हैं तो डेटा बिट्स के फॉर्म में स्टोर कब होता है? कहाँ होता है? रजिस्टर्स में, और उसका प्रयोग कौन करता है? एएलयू। अच्छा, कैश मेमोरी आपके रैम और सीपीयू के समय के अंतर को कम करता है, ये मैं बताता हूँ, अभी हम देखते हैं इसको। पर जैसे ये ग्राफ है, इससे आपके मेमोरी से रिलेटेड सारे डाउट क्या हो जाएंगे क्लियर। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी? तो बहुत से बच्चे बोलते थे कैश, वो गलत है। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी? रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर खुद सीपीयू के अंदर है। उसके बाद कौन सा? कैश। कैश के बाद रैम और रोम, और उसके बाद फास्ट कौन सी? सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और ये सब। तो जो ऊपर है वो क्या है? फास्ट, या आप ऐसा ही बोल सकते हैं फास्टेस्ट। जो सबसे नीचे वो क्या है? स्लो। जो ऊपर होगी मेमोरी वो क्या है इसमें? फास्ट। इस पिरामिड में जो मेमोरी ऊपर है वो सबसे ज्यादा क्या है? तेज। और जो नीचे वो उससे कंपेरेटिवली क्या है? स्लो। जैसे मैं आपसे पूछू रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैश, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैश में कौन फास्ट? तो आपका आंसर क्या होगा? कैश। चलिए, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर, इन सब में कौन फास्ट? रजिस्टर। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के ऐसा रट मत लेना कि कैश सबसे ज्यादा तेज है, डिपेंड करता है दूसरे ऑप्शंस में। अगर आपके ऑप्शन में कैश लिखा है, रैम, रोम और हार्ड डिस्क है, तो सबसे ज्यादा तेज कौन सी? कैश। पर रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, हार्ड डिस्क लिखा है, तो सबसे ज्यादा तेज कौन सी? रजिस्टर। तो इस पिरामिड में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा क्या है? तेज। और जो सबसे नीचे है वो उतनी क्या है? स्लो। अच्छा, जो चीज तेज है, जैसे आपकी फरारी की गाड़ी, यामा की बाइक्स या रेसिंग बाइक्स, ये तेज है तो फास्ट है, तो सस्ती है कि महंगी? कॉस्टली। पर आपकी स्लो गाड़ियां जैसे कि ऑटो रिक्शा, टाटा नेनो, लूना, ये सब आपकी क्या है? स्लो। तो सस्ती है कि महंगी? सस्ती। तो जो स्लो होता है वो कैसा होता है? इकोनॉमिकल, चीप। और ये क्या होगा? कॉस्टली। ठीक है, जो मेमोरी नीचे वो क्या है? चीप, इकोनॉमिकल। और जो ऊपर है वो क्या है? कॉस्टली। जो चीज सस्ती होती है वो स्लो है यहाँ, और जो तेज है वो क्या है? कॉस्टली है। तो वो सबसे ऊपर वाली आपकी जो रजिस्टर है सबसे ज्यादा क्या है? कॉस्टली। इसलिए कंपेरेटिवली कम स्टोरेज में होते हैं, किसमें होंगे? बिट में। फिर उसके बाद क्या थी? कैश। कैश की स्टोरेज होती है किसमें? केबी और एमबी में। अच्छा, रैम रोम की होती किसमें? एमबी और जीबी में। अच्छा, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क एमबी में भी आते थे, जीबी में भी आते थे और टीबी में भी आते। कौन? हार्ड डिस्क। फ्लॉपी आपकी होती नॉर्मली 3.4, ये 3.5 MB की। पेन ड्राइव आपकी एमबी में भी आती, जीबी में भी आती। मेमोरी कार्ड आपके टेराबाइट में भी बन सकते हैं। ठीक है, सीडी आपकी एमबी में आती थी, डीवीडी आपकी किस में आती थी? जीबी में। तो जो चीज सस्ती होती है ज्यादा खरीदते कि महंगा? कम। ज्यादा। जो महंगा होता है वो कम। जैसे आपके पापा मम्मी मार्केट जाते होंगे सब्जी वगैरह लेने, तो आलू प्याज किलो में ले आते होंगे, धड़ी भर के 5 किलो, 10 किलो। ठीक है, पर सोना किस में लाते? किलो में के ग्राम में? ग्राम में। केसर ग्राम में खाते हो आप, बहुत महंगा आता है ना। तो जो चीज महंगी होती है वो हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, कम कम, और जो सस्ती होती है वो ज्यादा। तो देखो, आप लोग इस पिरामिड की साइज देखे तो जो नीचे उसकी साइज क्या है? ज्यादा। जो ऊपर उसकी उससे कम, जो और ऊपर उसकी उससे कम, जो ऊपर है वो बिल्कुल लजवा और कम। तो रजिस्टर किसमें होते हैं? बिट्स में। कैश मेमोरी किसमें होती है? नॉर्मली केबी और एमबी में। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम जो है आपकी, वो जीबी और टीबी में। सेकेंडरी में आपका क्या? सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब ज्यादा मात्रा में होंगे जीबी में और टीबी में। नॉर्मली एमबी से चालू होते हैं और जीबी टीबी तक जाते हैं। तो जो चीज ऊपर है उसकी स्टोरेज क्या? कम। जो नीचे उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मात्रा में आप सेकेंडरी स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताकि आप डेटा को अच्छे से स्टोर कर सके, लंबे समय तक बैकअप के तौर पे यूज कर सके। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, जो चीज सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा तेज, तो सबसे ज्यादा तेज तो उतनी कॉस्टली और यूज होती कम मात्रा में। जो चीज नीचे है वो उतनी ज्यादा स्लो है, स्लो है तो सस्ती है, और सस्ती है तो हम ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं।
जैसे आपकी पिक्चर की डीवीडी आप 25-30 रुपए में ले लेते थे, पायरेटेड लेते होंगे अगर तो, पर अगर आप ओरिजिनल भी लेते तो 49-50 रुपए में वीसीडी आ जाती थी, एमपी3 वगैरह। तो पहले सीडी डीवीडी बहुत चलती थी, पर 15-20 रुपए में तो ब्लैंक सीडी डीवीडी आ जाती थी ना, पर आपकी रैम रोम थोड़ी महंगी आती। अच्छा कैश तो आप खरीदते नहीं है, सीपीयू के अंदर होती है आजकल तो वो इनबिल्ट कैश, और सीपीयू के बाहर है तो वो एक्सटर्नल कैश। नॉर्मली हमारे मोबाइल और लैपटॉप वगैरह में जाती तो इनबिल्ट कैश मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर आती। अच्छा रजिस्टर तो हम खरीद भी लेंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे क्योंकि सीपीयू के अंदर है, बहुत से बच्चों को सीपीयू वो बड़ा डब्बा मानते हैं, कैबिनेट को, सिस्टम यूनिट को। सीपीयू प्रोसेसर की आईसी होती चिप, तो उसके अंदर आप खरीद के डाल भी नहीं सकते, वो तो पहले से जब फेब्रिकेशन होता है तो उस दरमियान रिसेट होता है कितने बीट के रखना है रजिस्टर। ठीक है तो ये याद रखिएगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा किसका, कैश का, तो अब हम हेडिंग डालते हैं क्या, कैश। रजिस्टर में बस याद रखिएगा इनसाइड एएलयू, एएलयू खुद किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर। ठीक है उसमें डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में। अब हेडिंग डालिएगा क्या, कैश। राइट डाउन हेडिंग कैश, लिखा क्या है कैचे, सी एस सी एच ई, पढ़ना इसको क्या है कैश, इसका उच्चारण क्या होगा कैश। ठीक है लिखा क्या है सी ए सी एच ई, पर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे कैश, सी ए एस एच। ठीक है चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप सोचेगा उससे। जैसे आपके मोबाइल में एक गाना है मेमोरी कार्ड में या यूट्यूब में आपने स्टोर रखा है, ठीक है, तो मेमोरी कार्ड में कोई गाना है चल छैया छैया वाला, तो आप उसमें स्क्रॉल करोगे उस गाने तक जाओगे, फिर आप उस गाने को क्लिक करोगे तो गाना उठ के किस में आएगा, रैम में। आपने कोई सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया उसको खुलने में हल्का सा टाइम लगता है, वो आपके स्टोरेज से उठ के किस में आएगा, रैम में। आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें चालू होने में हल्का सा टाइम लगता है, स्टेप लोड होने में, तो लोडिंग किस में हो रही है वो रैम में। अभी आप जो भी चीज चलाते हो किस में होगी, रैम में। ठीक है और पावर ऑफ होने पर रैम अपना डेटा खो देती है। अच्छा रैम भी डेटा किसको दे रही है, सीपीयू को, कंप्यूटर में सारे काम कौन करता है सीपीयू, और सीपीयू अपना डेटा किससे उठाता है रैम से, रेंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा अब जो चीज सीपीयू के अंदर होगी वो क्या होगी इतनी फास्ट, और जो चीज सीपीयू के बाहर है वो उतना क्या होगा स्लो। जैसे आपको मैं पूछूं, जैसे आपके डीवीडी प्लेयर वगैरह आपने यूज किए होंगे, तो डीवीडी प्लेयर में आपने कोई डीवीडी लगाई तो उसको प्ले होने में थोड़ा सा टाइम लगता था कि नहीं, प्ले होने में थोड़ा सा टाइम लगता था, लोडिंग लिखा आता था, थोड़ा टाइम लगता था। अच्छा कोई चीज आपकी डीवीडी में है और वही चीज आपकी हार्ड डिस्क में है, तो डीवीडी से हार्ड डिस्क के किसी पार्टीशन में कॉपी करेंगे तो जल्दी होगा कि हार्ड डिस्क के किसी पार्टीशन से हार्ड डिस्क के दूसरे पार्टीशन में, हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क फास्ट होगा। अच्छा कोई चीज आपके हार्ड डिस्क में और वही चीज रैम में, तो हार्ड डिस्क और रैम में कौन फास्ट होगा, रैम। तो जो चीज सीपीयू की जितनी ज्यादा फास्ट में होगी उतनी क्या होगी तेज। पिरामिड में भी ऐसे ही था कि अगर आपकी रैम और रोम से भी ऊपर कौन है कैश, और कैश के ऊपर भी कौन है रजिस्टर, तो रजिस्टर और कैश तो खुद सीपीयू के अंदर होते कई बार, तो वो सबसे ज्यादा क्या होंगे तेज। और आपकी सेकेंडरी स्टोरेज जो आप मूव कर सकते हो अलग से लाके खरीद के लाते हो तो सीपीयू से तो दूर है ना, अपने कंप्यूटर की रैम भी बढ़वा सकते हो, आप अलग से डीवीडी लाके उसमें रिलाइट कर सकते हो, पेन ड्राइव लाते हो, तो ये तो आप अलग से परचेज कर लेते हो कई बार, तो वो क्या होती है कंपेरेटिवली स्लो। तो रैम क्या है फास्ट है किससे, सेकेंडरी स्टोरेज से, सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क से, पर रैम को अपना डेटा किसको देना है सीपीयू को। अच्छा रैम आपके नॉर्मली जीबी में होती है आजकल, सीपीयू परफॉर्म करता है बीट्स में, पर फिर भी ये बहुत क्या होता है तेज, कंप्यूटर में सारे काम कौन कर रहा है सीपीयू, तो सीपीयू सबसे ज्यादा क्या होगा तेज, और आपकी रैम क्या है थोड़ी सी स्लो कंपेरेटिवली सीपीयू। तो होता क्या है कि सीपीयू बार बार डेटा किससे उठाता रैम से, तो वो क्या हो जाता स्लो। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इनके बीच में एक ऐसी मेमोरी दे जिसे हम क्या नाम दे कैश मेमोरी, अगर वो सीपीयू की चिप के बाहर है तो इसे एक्सटर्नल कैश बोलेंगे, और आजकल सीपीयू की चिप के अंदर ही इनबिल्ड आती है तो उसे क्या बोलते हैं हम इंटरनल कैश या इनबिल्ड कैश। ठीक है तो मान लो अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सब बच्चे तो एक जैसे नहीं, तो मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, हर चीज को दो बार बोल रहा हूं ताकि हर एक को समझ में आए कोई नया हो तो भी। मान लो जैसे इस क्लास में भी 40 बच्चे होते तो सबको समझ में ऐसा जरूरी नहीं, कोई बीकॉम का है, कोई आर्ट्स का है, कोई ने एमसीए किया है, कोई इंजीनियरिंग के हैं, तो इंजीनियरिंग और एमसीए वाले और बीसीए वाले तो क्या बहुत जल्दी समझ जाएंगे, पर जो नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो मैं किसी ऐसे बच्चे को चुनूंगा जो पहले मुझसे समझ ले बाद में सबको समझा दे, पहले मुझसे समझ दे बाद में सबको समझा दे, तो इससे मेरा टाइम तो बचेगा है ना,
नहीं तो फिर मेरे को बार बार सबके लिए रुकना पड़ेगा, तो मैं हैंग होने लग जाऊंगा, स्लो हो जाऊंगा। वैसे आपके कंप्यूटर में होता है कि अगर सीपीयू बार बार डेटा किससे उठाएगा, रैम से, और अगर रैम स्लो है तो वो क्या होने लग जाएगा, हैंग, स्लो हो जाएगा, अटक अटक के चलेगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हम सीपीयू, जो कि एक फास्ट डिवाइस है और ये हल्का सा क्या है, कंपेरेटिवली स्लो, तो इन दोनों के स्पीड के डिले को कम करने के लिए हम कैश मेमोरी दे दें। जो डेटा सीपीयू को लगने वाला है भविष्य में, वो पहले से रैम से कौन उठा ले, कैश, और कैश वो डेटा किसको देते, सीपीयू। जब तक सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तब तक इसमें और स्टोरेज, जैसे ये बिट्स में कर रहा है, ये एमबी में होता है और ये एमबी और जीबी में होता है, ये केबी में भी हो सकती है आपकी कैश, तो ये बिट्स के फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, ये केबी और एमबी में स्टोर कर सकता है। तो ये भविष्य में डेटा जो सीपीयू को लगने वाला है वो पहले से कौन से कर लेता है, कैश। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं जैसा इंजीनियरिंग की परिभाषा में बताते हैं कि सीपीयू के द्वारा बार बार जनरली डेटा को कौन स्टोर रखता है, कैश। मोर फ्रिक्वेंटली डेटा बाय सीपीयू स्टोर इन कैश। सीपीयू के द्वारा बार बार जनरली आंकड़ों को कौन सेव रखता है, कैश। अच्छा, सीपीयू और रैम के समय के अंतर को कौन कम करता है, कैश। अच्छा, आपने यूट्यूब देखते हो तो आपके नेट की स्पीड बहुत अच्छी होती है तो पूरा वीडियो 1-2 सेकंड में चल जाता है क्या, नहीं ना, बफरिंग होती ना। भविष्य में जो आप देखने वाले हो 1-2 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट बाद, वो पहले से आपका ब्राउजर सेव कर लेता है यूट्यूब का एप्लीकेशन के, नहीं है ना, ताकि आप बिना अटके उसको देख पाए। वैसे ही कुछ यहाँ पे सीपीयू के लिए बफर मेमोरी की तरह कौन काम करता है, कैश। सीपीयू के लिए बफर मेमोरी की तरह कौन काम करता है, कैश। ये तीनों ऑब्जेक्टिव ध्यान से आप समझ लें, कैश वर्क्स एज बफर मेमोरी फॉर सीपीयू, कैश वर्क्स एज बफर मेमोरी फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए बफर मेमोरी की तरह कौन काम करता है, कैश। इट रिड्यूसेस डिले, डिले मतलब क्या, समय का अंतर, डिले टाइम बिटवीन रैम एंड सीपीयू। रैम और सीपीयू के लिए बीच में समय के अंतर को कौन कम करता है, कैश। रैम और सीपीयू के बीच में समय के अंतर को कौन कम करता है, कैश। कैश स्टोर्स मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा बाय सीपीयू। आपके कंप्यूटर के सीपीयू को जो डेटा बार बार लगने लगता है उसको बार बार अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज से उठाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो जिस जिस सेल्स पे, जिस जिस एड्रेस पे आपका सीपीयू जाता है उसके टेबल को पहले से कौन होल्ड करता है, कैश। सीपीयू के द्वारा बार बार सुनने आंकड़ों को कौन पहले से सेव रखता है, कैश। कैश स्टोर्स मोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा बाय सीपीयू। सीपीयू द्वारा बार बार सुनने आंकड़ों को कौन सेव रखता है, कैश। ठीक है, तो याद रखिएगा सीपीयू के लिए और रैम के लिए मसीहा की तरह कौन काम करता है, कैश। कैश वर्क्स एज बफर मेमोरी फॉर सीपीयू। सवाल क्या आएंगे, सीपीयू और रैम के समय के अंतर को कौन कम करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैश। सीपीयू द्वारा बार बार यूज होने वाले आंकड़ों को कहां सेव रखते हैं, कैश में। ठीक है, तो रजिस्टर और कैश ये दोनों प्राइमरी के पार्ट होते हैं। सीपीयू डायरेक्ट इनसे डील करता है, वे मेमोरी जिनसे डायरेक्ट सीपीयू डील करता है क्या, प्राइमरी मेमोरी, और जो यूजर के परमानेंट डेटा के लिए यूज होती है वो क्या, सेकेंडरी स्टोरेज। अब हमें हेडिंग डालिएगा प्राइमरी या मेन मेमोरी में रैम और रोम। नॉर्मली बहुत से लोग प्राइमरी में दो चीजें मानते हैं, रैम और रोम, जिसे हम मेन मेमोरी में बोलते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म सबसे पहला सवाल जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बन सकते हैं और आता भी है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी स्थाई होती है कि अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई मतलब वोलेटाइल के नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब पावर ऑफ होने पे अपना डेटा खो देती है, गजनी की बहन होती है, गजनी क्या हर 15-20 मिनट में, घंटे में डेटा खो देता था, ये क्या करती, 15 मिनट में रैम डेटा खो देता था ना गजनी, वैसे रैम क्या होती, गजनी की बहन होती, ये पावर ऑफ होने पे अपना डेटा खो देती, इट लूजेस इट पावर इट सडन पावर ऑफ और पावर सप्लाई टर्न ऑफ। अपना पावर सप्लाई ऑफ होने पे कौन अपना डेटा खो देती, रैम, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अस्थाई मेमोरी। और अस्थाई का मतलब क्या, वॉलेटाइल,
पावर ऑफ होने पे डेटा खो देती है, ठीक है। एक्टिवली यूजर वर्क्स ऑन ए डॉक्यूमेंट इट शुड बी ऑन रैम। अभी यूजर कोई भी चीज देख रहा है तो किसमें होगी, रैम में, यह आया हुआ सवाल है। अभी आप एक एमएस वर्ड की फाइल चला रहे हैं तो वो फाइल होगी हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी में, सीडी में, रैम में या रोम में। तो आपका आंसर क्या होगा, रैम में, ठीक है। एक्टिवली यूजर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट इट शुड बी ऑन रैम। पावर ऑफ होने पर अपना डेटा खुद ही दी कौन, रैम, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल, अस्थाई। अच्छा, रैम के प्रकार एस रैम और डी रैम, ठीक है। रैम के प्रकार में हमसे जो फुल फॉर्म भी पूछते हैं कई बार एस रैम और डी रैम के, तो एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फर्क होता है एसरैम और डीरैम में, एक तो फुल फॉर्म का, एस मतलब स्टैटिक और डी मतलब डायनामिक। अच्छा, एक सवाल आता है एसरैम और डीरैम में से बार बार रिफ्रेश किसे करना पड़ता है, कंटिन्यूस रिफ्रेशमेंट किसको देना पड़ता है, नहीं तो वो अपना डेटा खो देगी। तो कौन सी, एसरैम के डीरैम, डीरैम नीड्स कंटिन्यूस कंटिन्यूस रिफ्रेशमेंट, DRAM needs continuous refreshment. DRAM को बार बार हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश, क्योंकि पावर सप्लाई ऑन होने के बावजूद ही अपना डेटा खोने लगती है। अब आपके मन में होगा सर कैसे खोने लगती है। अच्छा, SRAM बनी होती है किसकी, ट्रांजिस्टर रजिस्टर्स की। ट्रांजिस्टर एक तरह की स्विच होता है, ऑन तो ऑन और ऑफ तो ऑफ। पर DRAM बनती है किसकी, कैपेसिटर्स की। ये कैपेसिटर्स क्या स्टोर करते हैं, चार्ज। और प्रकृति का नियम है चार्ज को हमेशा के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे मान लो आपका उपास है, किसी का करवा चौथ का व्रत है, तो वो लोग उपास लगने पहले ही बहुत अच्छे खा पी लेते कई बार, कि नहीं खा लेते हम लोग भी, है ना, ताकि हम एनर्जी को स्टोर करके रख सके। अच्छा, आप दाल बाटी भी खाओ तो खा के सो जाते हो। अच्छा, आपने कुछ काम नहीं किया फिर भी आपकी एनर्जी लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। शाम को आपको वापस भूख लगती है, वही दाल बाटी बची हुई खा के वापस सो जाते हो। तो जो भी आप चीज खाते हो उसको हमेशा के लिए स्टोर करके रख पाते हो क्या, नहीं। अगर आप खाना खा के सो भी गए, दिन भर आप सोए, तो शाम को वापस भूख लग जाएगी आपको कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपका शरीर हीट लॉस करता है। वैसे कैपेसिटर क्या स्टोर करते हैं, चार्ज, पर्टिकुलर वोल्टेज स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जैसे पर्टिकुलर वोल्टेज उन्होंने स्टोर किया, अब यहां तक आया 5 वोल्ट का हो गया, अब आपने इसको अगर रिफ्रेश नहीं किया तो डेटा क्या करना पड़ेगा, चार्ज डिस्चार्ज होते जाएंगे तो डेटा लॉस होते जाएगा। अच्छा, एकदम ये जीरो आ जाएगा तो डेटा कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। तो हम डेटा लॉस से बचने के लिए पीरियोडिकली बार बार हम इसे क्या करते रहते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। तो किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो आप कंटिन्यू रिफ्रेशमेंट किसको लगता है, डी रैम को, याद रखिएगा। अच्छा, रैम को उनके एक और तरीके से मेजर कर सकते हैं, रैम के टाइप DDR1 DDR2 DDR3 और DDR4। अधिकतर आजकल जो होती है DDR3 और DDR4 यूज होते हैं आपके स्मार्टफोन वगैरह में, जो आती है मिड रेंज और में, उसमें तो DDR3 आती है। बहुत से फ्लैगशिप लेवल फोन में आती है DDR4, लैपटॉप वगैरह में भी आपने। अच्छा, रैम क्या होती है, एक वीडियो गेम की कैसेट जैसी होती है, ठीक है। DDR4 का सॉकेट क्या होगा, थोड़ा छोटा और वो थोड़ी और फास्ट होगी, और DDR3 कंपेरेटिवली क्या होगी, स्लो, जैसा आपका 2G 3G 4G होता है। 4G बहुत तेज है, 3G उससे कम तेज है, और सबसे लजवाब आपका 2G हो रहा है, नेट चलाने मजा ही नहीं आता आपको उसका। वैसे ही कुछ यहाँ पे DDR1, 2, 3, 4 में सबसे लेटेस्ट कौन सा हो, DDR4, और तेज कौन सा हो, DDR4, ठीक है। तो DDR का फुल फॉर्म तो बता दो, डबल डेटा रेट। DDR का फुल फॉर्म भी आया हुआ है डबल डेटा रेट। अच्छा, रैम, अभी यूजर जो भी कुछ चला रहा है वो किसमें होगा, रैम में, स्थाई अस्थाई अस्थाई। अब आएगा क्या, रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या, रीड ओनली
मेमोरी नाम क्या बोल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसे आप केवल क्या कर पाते हो, पढ़ पाते हो, वो क्या होती, रोम, रीड ओनली मेमोरी। जैसे आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपके स्कूल का नाम जिससे आपने 12th पास किया था, आपके घर का एड्रेस, अच्छा आपकी नर्सरी की क्लास टीचर का नाम नहीं याद होगा शायद बच्चों को, आपने परसों जिस व्यक्ति को सबसे पहले देखा उसका नाम, रास्ते पे उसका चेहरा नहीं याद होगा, क्यों, क्योंकि वो सब टेम्पररी है। टेम्पररी डेटा किस में रखते हैं, रैम में, तो रैम का एक और नाम क्या, टेम्पररी स्टोरेज। पर मैन्युफैक्चर अपना परमानेंट डेटा किस में रखता है, रोम में। जैसे मैं बचपन में एक वीडियो कॉन का प्लेयर था, हमारे 5, तो जब तक उसको चालू करते थे वो क्या चालू होने पर बताता, वीडियो कॉन के एल जी बताते वीडियो कॉन। अच्छा आपको अपने पापा मम्मी का नाम याद है, आपको अपना नाम याद है, परमानेंट है कि नहीं है, परमानेंट है। मैंने कंप्यूटर बनाया तो मैं क्या चाहूंगा, कहीं पे जाए तो मेरा नाम बनाया बताए चालू होने पे कि दूसरी कंपनी का मेरा। तो मैन्युफैक्चर अपना परमानेंट डेटा है, और अपने सॉफ्टवेयर किस में रखता है, रैम में के रोम में, रोम में, क्योंकि पावर ऑफ होने पर भी अपना डेटा नहीं खोती, इसलिए स्थाई होती है, अस्थाई ये होती क्या, स्थाई, स्थाई मतलब क्या, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ही होता है वेरिएबल की तरह, वोलेटाइल का मतलब ही होता है अस्थाई, ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो नॉन देख के इधर लगाने लग जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है। पर ये क्या होती है, परमानेंट के टेम्पररी, परमानेंट टाइप ऑफ स्टोरेज, ठीक है। मैन्युफैक्चर अपना परमानेंट डेटा किस में रखता है, रोम में, रोम स्टोर्स परमानेंट डेटा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ डिवाइस लाइक सॉफ्टवेयर ऑफ बायोस, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या, बूटिंग के दौरान जो सॉफ्टवेयर लोड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बूटिंग इंस्ट्रक्शन, इसे बोलते हैं बूट स्ट्रेप प्रोग्राम्स। एंड परमानेंट डेटा और सेटिंग्स, कंप्यूटर के परमानेंट डेटा और सेटिंग, बायोस के सॉफ्टवेयर, बूटिंग इंस्ट्रक्शन, ये सब किस में होते हैं, रोम में। कंप्यूटर के परमानेंट डेटा किस में होता है, रोम में। हम मैंने एक मोबाइल लिया, मैंने उसमें रोम का कुछ हिस्सा यूजेबल भी दे देते हैं, आजकल मोबाइल में जो रोम आती है उसका क्या, कुछ हिस्सा यूजर को यूज करने के लिए देते हैं, पर उसमें प्री इंस्टॉल एप्स आती है कि नहीं, कैमरे का सॉफ्टवेयर आता है कि नहीं, एंड्रॉइड पी लोडेड आता है कि नहीं, तो फैक्ट्री सेटिंग जो होती होगी वो किस में लोडेड आती होगी, रोम में, ठीक है। आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, यूजर को परमिशन नहीं देते नॉर्मली के मेन कोर का जो आपके कंप्यूटर का रोम है उसे आप एडिट कर पाए। जैसे मैं अभी डिजिटल कैमरे से शूटिंग कर रहा हूँ इस वीडियो की, तो ये सोनी का कैमरा है, तो इसमें सोनी वालों ने सॉफ्टवेयर भरे होंगे, इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग भी सोनी ने करी होगी, मैं कभी डेट वेट चेंज कर दूं, मैं उसके रिजोल्यूशन चेंज कर पाऊँ, मैं उसके पिक्सल साइज चेंज कर पाऊँ, ये सब सेटिंग्स में, पर बाय डिफॉल्ट कंपनी ने भी दिया होगा, वो किसमें होगा, रैम में, रोम में, रोम में, क्योंकि रोम पावर ऑफ होने पर भी डेटा नहीं होती। अब यहाँ पे एक फुल फॉर्म आया किसका, बायोस का, तो बायोस का फुल फॉर्म बताओ, बायोस एक वर्ड आया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस के सॉफ्टवेयर किसमें रखे जाते हैं, रोम में, क्योंकि बायोस मतलब क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, स्पीकर, ये बेसिक इनपुट आउटपुट में आते कि नहीं, तो इनके सॉफ्टवेयर आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है क्या, कि प्री लोडेड आते हैं, प्री लोडेड आते हैं, तो बायोस के सॉफ्टवेयर पहले से किस में लोड होते हैं, रोम में, अलग से हमें इसके ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा बायोस के बाद यहाँ पे एक और चीज आई क्या, बूटिंग है ना, बूट स्ट्रेप प्रोग्राम या बूटिंग, बूटिंग क्या होता है बताओ, सोचो बूटिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग, क्या होता है बूटिंग, स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग, कंप्यूटर के चालू होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बूटिंग, बूटिंग मीन्स स्टार्टिंग प्रोसेस
ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के चालू होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? बूटिंग। स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज बूटिंग। बूटिंग के दरमियान क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। किसमें? रैम में। आप अपने कंप्यूटर अभी बंद है, लैपटॉप बंद है, उसको आप चालू करते हैं। आपका मोबाइल बिल्कुल बंद है, उसको आप चालू करते हैं, एकदम से चालू हो जाता है कि कुछ टाइम लगता है? मोबाइल में कुछ 15-20 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम लगता है, कंप्यूटर को भी आपके एक मिनट 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो उस दरमियान क्या विंडोज लिखा आता है, कंपनी का नाम लिखा आता है, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला, इन्फिनिक्स, एमआई, तो ये नाम आते लिखे हुए। तो उस दरमियान के नाम बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ चीजें लोड हो रही होगी, चीजें लोड हो रही होगी, है ना? किसमें आ रही होगी वो उठ के चीजें? रैम में, क्योंकि आप अभी जो भी चीज दिख रहे हो वो सब किसमें? रैम में। अभी हमने कंप्यूटर चालू किया तो सी ड्राइव का डेटा भी उठ के किसमें आएगा? रैम में, ठीक है, तभी हम उसको चला पाएंगे। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बूटिंग, ड्यूरिंग दी बूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर ऑफ बायोस, बायोस मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के सॉफ्टवेयर, है ना, एंड बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स मतलब वही जो बूटिंग के दरमियान लोड होते हैं, आर लोडेड इन मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी भी कौन सी? रैम। किसमें लोड होते हैं? रैम में, क्योंकि एक्चुअली हम जो भी चीज चला रहे हो किसमें होना चाहिए? रैम में। तो बूटिंग के दरमियान आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस के सॉफ्टवेयर, ये सब परमानेंट डेटा जो मैन्युफैक्चर के द्वारा है, ये सब उठ के किसमें आता है? रैम में। तो कंप्यूटर चालू हो जाता है उसके बाद, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग। तो एग्जाम में भी पूछते हैं कि बूटिंग क्या होती है, तो कंप्यूटर के चालू होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? बूटिंग। कितने तरह की बूटिंग होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूटिंग देयर? बूटिंग कितने तरह की होती है, जल्दी बताओ, बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूटिंग देयर? बूटिंग कितने तरह की होती है? बताइए बूटिंग कितने तरह की होती है? तो बूटिंग दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अच्छा, कोल्ड मतलब क्या? ठंडा। कोल्ड हो जाता ना, बोलते ना सर्दी लग गई, तो कोल्ड मतलब क्या? ठंडा। और वार्म मतलब क्या? गर्म। अच्छा, तो ठंडा चालू ना, गर्म चालू होना, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, पर इन वर्ड का प्रयोग जरूर है, ये नाम ही इनके मतलब के हिसाब से पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे अभी मान लो मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे शरीर का तापमान थोड़ा सा हाई हो गया होगा, दिमाग थोड़ा गर्म होगा, तो ऐसा आपको मैं कोल्ड दिख रहा हूँ, पर काम कर रहे तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना ब्रेन का, तो वो क्या हो जाता है, जैसे काम करते तो आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, आप सोए हुए बहुत अच्छे से, तो कूल माइंडेड हो बिल्कुल, प्रोसेस एकदम ठंडा है। वैसे कंप्यूटर में होता है, जब आप अपने मोबाइल में वीडियो शूटिंग कर रहे हो, बहुत देर से गेम खेल रहे हो, तो थोड़ा प्रोसेसर गर्म हो जाता है, बैक पैनल आपको गर्म लगता है। पर अभी मान लो जैसे आप अभी अपने कंप्यूटर को बंद रखा हुआ है, कंप्यूटर आपका बंद है, तो काम कर रहा है कि बंद है? बंद है, तो वो ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा होगा। जब आप कुछ काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर प्रोसेसर क्या हो जाता है? हीट। जब नहीं कर रहे हो तो वो ठंडा है। जैसे आप अभी लैपटॉप पे गोद में रख के लैपटॉप पे पिक्चर देख रहे हो, दिल जले, थोड़ी देर बाद थाई भी जले, क्यों? क्योंकि प्रोसेसर गर्म हो जाता है ना। तो वही कंसेप्ट में यहाँ यूज करते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर बंद है, तो बंद कंप्यूटर है मतलब शटडाउन है, टर्नड ऑफ है। बंद कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग, टर्न ऑफ या शटडाउन। पीसी को पावर ऑन करना या टर्न ऑन करना, वो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। और चालू से पुनः चालू, ठीक है, जैसे मान लो आप 5-10 घंटे किसी कोचिंग में बैठते हैं, तो 1-2 घंटे के लेक्चर के बाद आपको ब्रेक मिलता है, वापस पानी आने पी के रिफ्रेश होकर आ जाते हैं, तो वो रिस्टार्ट करना या रिबूट करना मोबाइल को, ये किसमें आएगा? वार्म बूटिंग में। मान लो आपका मोबाइल सिग्नल खो देता है, तो आप उसको फेंक देते हो क्या कि रिस्टार्ट करते हो? रिस्टार्ट, तो उसमें प्रोसेसर को पूरी तरह ठंडा होने का टाइम मिला क्या? नहीं ना, तो वो कौन सी बूटिंग होगी?
वॉर्म बूटिंग बहुत सी बुक में, और बच्चे बोलते हैं कई बार कि सर पहली बार चालू करना कोल्ड बूटिंग नहीं। आज मेरा एक फोन है पुराना वाला, वो एक डब्बे में रखा हुआ है, मैं 2-3 महीने से ही चला रहा हूँ, तो कोल्ड बूटिंग में आएगा अगर मैं उसको चालू करूंगा तो। ठंडा पड़ा है प्रोसेसर, ऐसा भी पहली बार जब चालू करेंगे वो कोल्ड बूटिंग में आता है पहली बार चालू करना भी, पर 1-2 महीने से बंद है, 2 रात से मैंने कंप्यूटर चालू नहीं किया, 2 दिन से आज सुबह चालू करूंगा, तो वो क्या होगा आपका कोल्ड बूटिंग। पर अभी मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है, वो मेरे को कल तक देना है, तो मैं उसको रिस्टार्ट करके वापस करूंगा ना, तो वो क्या होगा वार्म बूटिंग। तो बंद कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूटिंग, रिस्टार्ट करना क्या वार्म बूटिंग। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, बूटिंग के जस्ट बाद मेरे को एक चीज दिमाग में काउंट करती है क्या, बूटिंग के जस्ट बाद मेरे को एक चीज दिमाग में आती है क्या, पोस्ट प्रोसेस। पोस्ट प्रोसेस का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर के चालू होने की प्रोसेस क्या होती है, बूटिंग। बूटिंग के तुरंत बाद कंप्यूटर खुद को चेक करता है कि सारी चीजें प्रॉपरली कनेक्टेड हैं या नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं पोस्ट प्रोसेस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर खुद को चेक करता है कि सारी चीजें प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, वो चीज क्या कहलाती है पोस्ट प्रोसेस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे हम आप रात को सोए तो पावर ऑन हुए कि पावर ऑफ, पावर ऑफ हुए। आप सुबह उठे तो पावर क्या हुए ऑन, फिर आप उठ के खुद को चेक करते हो कि नहीं कि सब चीजें सही साट है कि नहीं, कि एकदम ही बाहर घूमने चले जाते हो, खुद को चेक करते हो ना कि रात को हाथ घूमने तो नहीं चला गया, पैर कहीं तो नहीं चला गया, बाल बाल सही जमे कि नहीं, नाक वाक कि नहीं। तो कंप्यूटर जब चालू होता है तो खुद को चेक करता है कि सारी चीजें प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। जैसे आपके पुराने फोन आते थे फीचर्स फोन, आपने अगर मेमोरी कार्ड नहीं लगाया और आपने गाना चालू किया या आपने मोबाइल चालू किया और आपने सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड नहीं लगाया, तो उसमें एरर आ जाता था कि सिम कार्ड नॉट डिटेक्टेड, मेमोरी कार्ड स्लॉट एम्प्टी, इंसर्ट मेमोरी कार्ड। कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, कोई चीज कनेक्ट करी आपने और वो अगर कनेक्ट नहीं तो वो एरर मैसेज दे देता है चालू होने पर, या आपने कंप्यूटर चालू हुआ वो देता है हार्डवेयर नॉट फाउंड, डिवाइस नॉट फाउंड। तो कंप्यूटर में चालू होते से वो खुद को चेक करता है कि सारी चीजें प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं, वो चीज क्या कहलाती है पोस्ट प्रोसेस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए आगे हम पढ़ते हैं रोम के टाइप्स। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और रोम के टाइप्स सबसे पहले आएगा क्या पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, जैसे मान लो मैं इंजीनियर हूं, मानना क्या वो तो मैं हुई। अब हम एक प्रोजेक्ट बना रहे, एक लैपटॉप बना रहे खुद का प्रोजेक्ट के तहत, तो हम क्या चाहेंगे वो चालू हो तो हमारे प्रोग्राम हो उसमें के किसी और के, कि मार्केट में बने हुए प्रोग्राम ले हमारे प्रोग्राम हो, तो हमारे खुद के प्रोग्राम से हम लोड करना चाहेंगे उस लैपटॉप के, चालू हो तो हमारे ग्रुप का नाम है, हमारे कॉलेज का नाम है। ठीक है, तो चालू होने पर वो हमारे सॉफ्टवेयर बताए कि दूसरों के हमारे, तो ऐसी खाली ब्लैंक रोम आना चाहिए जिसे यूजर अपने प्रोग्राम से बंद कर सकता है, अपने प्रोग्राम से भर सकता है, राइट कर सकता है। तो अपने प्रोग्राम से भरना हो तो फिर वो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोग्रामेबल रोम लाना पड़ेगी। अच्छा, पर इतने अच्छे प्रोग्रामर थोड़ी कि पहली बार में सही प्रोग्राम बन जाएगा, पहले हम बनाएंगे फिर चला के देखेंगे जैसा आउटपुट आना चाहिए वैसा आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो वापस राइट करेंगे, तो उसे हमको रीराइट करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये वाली रोम क्या है, एक ही बार आप भर सकते हो, अगर आपका प्रोग्राम सही हो गया तो किस्मत, नहीं तो फिर वापस दोस्त को भेजो कि भाई दूसरी लाओ, खुद जाओ दूसरी लाओ। तो वैज्ञानिकों ने क्या बनाई ईपी रोम, बहुत अच्छा कंसेप्ट था ईपी रोम का, उसका मतलब क्या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया उसे आप क्या कर सकते हो इरेज करके वापस भर सकते हो रोम में डेटा, तो वो कौन सा होगा आपका ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेज करते हैं तो उसके इरेज करने के कुछ तरीके तो ही, जैसे आपके भैया बोले आप मेमोरी कार्ड इरेज कर दे, फॉर्मेट कर दे, तो तुम क्या रबड़ में थूक लगाते हो उसको घिसने लग जाते हो क्या, नहीं ना, ऐसे थोड़ी इरेज करना है पेंसिल के रबड़ से, वो तो आप कंपनी का नाम मिटा दोगे, ब्लेड से घिस दोगे। आप किससे, उसे लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट में लगाते कंप्यूटर में, और आप उस पर फॉर्मेट का बटन पे क्लिक करते तो करंट जाते हो ट्रांजिस्टर रजिस्टर में, तब इरेज होता, तो करंट की सहायता से इरेज कर सकते। तो इसके इरेज वाले के दो टाइप होते हैं, डबल ईपी रोम उसका फुल फॉर्म देखते हैं अभी, इसका एक और नाम
ई स्क्वेयर पी रोम, कई बार परीक्षा में ई स्क्वेयर पी रोम बोलते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ई स्क्वेयर मतलब ई कितनी बार आया होगा, दो बार, डबल ई पी रोम। इसका फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम। इसमें करंट की सहायता से इरेज होता है, इसमें इससे इरेज होता है करंट की सहायता से। एक और होता है इरेज करने का तरीका, वो होता है आपका फ्लैश रोम। फ्लैश मेमोरीज नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, फ्लैश रोम। फ्लैश मेमोरी नहीं, क्या आएगा, फ्लैश रोम। फ्लैश मेमोरी नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, फ्लैश रोम। फ्लैश रोम में क्या होगा, इसका एक और नाम क्या होता है, यूवी ईपी रोम। यूवी ईपी रोम का फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप लिख लीजिएगा पूरा फुल फॉर्म अच्छे से, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बहुत आईएमपी फुल फॉर्म है वो। और डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहां करंट का प्रयोग होगा वो इरेज करने के लिए होगा, अगर करंट का प्रयोग तो वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे आपके मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव वो इसी के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ठीक है, करंट से इरेज होते हैं। और फ्लैश रोम में क्या होता है, पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं सनलाइट में, आपकी यूवी रेज होती। अच्छा, आपके पुराने वो कोडेक के कैमरे वाले रोल वाले फोटो आते थे, रील आती थी। अच्छा, आपके पापा आपको कृष्ण विष्णु बना के जन्माष्टमी बनाए, फिर वो फोटो धुलवाने जाते थे। अच्छा, जो स्टूडियो वाले होते थे डार्क रूम में रील धोते थे कि सनलाइट में, डार्क रूम में खोलते थे उसको, ठीक है, ताकि सनलाइट से वो ब्लर ना हो जाए, इफेक्ट ना आ जाए प्ले फिल्म में। तो वैसे ही कुछ होता है कि फ्लैश मतलब क्या, चमक। आपके मोबाइल का फ्लैश होता है ना, रोशनी छोड़ता है ना, कि अंधेरा बिला रहा है, रोशनी छोड़ता है। तो आपने इस तरह की मान लो एक रोम है, इस पर आप एक्सपोज कर दोगे इसको, यूवी रोम अल्ट्रावायलेट रेस के सामने पराबैंगनी किरण, इसको आप एक्सपोज कर दोगे। मान लो ये आपकी क्या है, रोम। इस रोम को आप एक्सपोज कर दोगे, खोल दोगे किसके सामने, पराबैंगनी किरणों के सामने। तो पराबैंगनी किरणों के सामने ये आते ही अपना डेटा लॉस कर देती है, ठीक है, तो वो कौन सी होगी आपकी, फ्लैश रोम, यूवी ईपी रोम। आशा करता हूँ यहाँ तक का आपको सब समझ में आया होगा। सेकेंडरी स्टोरेजेस के लिए मैं अलग से एक और लेक्चर ले आऊंगा, क्योंकि ये वाला वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, हमने हर चीज डिटेल में पढ़ी। आप ये वीडियो ध्यान से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक भी करें। शुक्रिया।